हेलो एवरीवन। तो आज स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.2 क्लास 8 मैथमेटिक्स क्वेश्चन नंबर 3। इसमें यहाँ पे पूछ रहा है हाउ मैनी साइड्स डज अ रेगुलर पॉलीगन। ये चीज़ ध्यान रखनी है, रेगुलर पॉलीगन मतलब इक्वल साइड्स हैं और इक्वल एंगल हैं। हाउ मैनी साइड्स डज अ रेगुलर पॉलीगन हैव इफ द मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज 24 डिग्री। ठीक है, ये मैं आपको एक फिगर में एक्सप्लेन करता हूँ। आप यहाँ पे देखिए, तो ये मैंने एक सैम्पल फिगर बनाई हुई है। तो ये एक रेगुलर पॉलीगन है, इसकी कितनी भी साइड्स हो सकती हैं। रेगुलर पॉलीगन कैसे, इसकी ये साइड यानी साइड 1, साइड 2, साइड 3, साइड 4, ऐसे करके कितनी भी साइड्स हो सकती हैं। तो वो सारी की सारी साइड्स को मैं इक्वल मान रहा हूँ। ऐसे ही एंगल होगा, एक एंगल यहाँ होगा एग्जैक्टली ये जगह पे मैं बना देता हूँ। जैसे ये हो गया मेरा एक एंगल, फाइन। एक एंगल मेरा यहाँ नीचे की तरफ हो गया, ये एंगल हो गया। ऐसे ही ये एंगल 3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये एंगल जो बन रहे हैं, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, ये मेरे तीनों के तीनों एंगल भी इक्वल हैं। ठीक है, अब मैं इनको एक्सटेंड करता हूँ ताकि आपको मैं एक्सटीरियर एंगल दिखा सकूँ। तो मैं सबसे पहले इसको एक्सटेंड कर रहा हूँ। तो ये मैंने यहाँ एक्सटेंड किया, ऐसे ही नीचे वाले को भी एक्सटेंड किया, ऐसे ही यहाँ वाले को भी एक्सटेंड किया। ठीक है, ये तीनों को मैंने एक्सटेंड कर दिया। ऐसे ही और जितनी भी साइड्स होंगी वो सारी भी एक्सटेंड करेंगे तो हमें एक्सटीरियर एंगल मिलेगा। एक्सटीरियर एंगल कौन कौन सा बनेगा, एक तो ये बनेगा एक्सटीरियर एंगल है, ऐसे ही यहाँ ये एक्सटीरियर एंगल बनेगा। ठीक है, ये एक्सटीरियर एंगल बनेगा। ठीक है, तो आप ध्यान से देखेंगे ये जितने भी एक्सटीरियर एंगल बने हैं, चाहे वो ये वाला हो, ठीक है, ये वाला हो या ये वाला हो, ये तीनों के तीनों ये भी इक्वल ही होंगे। क्यों, क्योंकि ये वाले तीनों एंगल इक्वल हैं, तो इसके साथ जो लीनियर पेयर सम वाले होंगे ये वाले भी सारे के सारे एक्सटीरियर एंगल इक्वल होंगे। या आप ऐसे कह सकते हैं एक रेगुलर पॉलीगन के अंदर इंटीरियर एंगल जो कि ये वाले हैं ये सब के सब इक्वल होते हैं, और एक्सटीरियर एंगल जो होते हैं वो भी सब के सब इक्वल होते हैं। तो इसकी वैल्यू क्या दी हुई है, रेगुलर पॉलीगन इफ दे मेजर एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ 24 डिग्री। एक्सटीरियर एंगल कितना दिया हुआ है, यहाँ पे हमें दिया हुआ है 24 डिग्री, तो मैं वो लिख देता हूँ। ये हो गया हमारा 24। ठीक है, इसमें हर एक एंगल कितना कितना है, 24 डिग्री। और हमें एक प्रॉपर्टी पता है, हमने यहाँ पे पढ़ी थी, ये एनसीईआरटी में ही पढ़ी है हमने। ये देखिए, जस्ट एक्सरसाइज 3.1 के बाद हमने यहाँ पे पढ़ा था ना, द सम ऑफ मेजर ऑफ एक्सटर्नल एंगल ऑफ, इसको मैं थोड़ा और इधर करता हूँ, द सम ऑफ मेजर्स ऑफ एक्सटर्नल एंगल ऑफ एनी पॉलीगन इज 360 डिग्री। यानी कि एक्सटर्नल एंगल किसी भी पॉलीगन के जो होते हैं उसके एंगल का सम कितना होता है, 360 डिग्री। फाइन, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ सम ऑफ एंगल्स ऑफ एक्सटीरियर एंगल इन पॉलीगॉन इज 360 डिग्री। ये मैंने यहाँ पे लिख दिया सम ऑफ एंगल यानी एक्सटीरियर एंगल ऑफ एनी पॉलीगॉन इज 360 डिग्री। तो यहाँ पे टोटल अगर हम मान लें कि भैया इसकी एक्स साइड्स हैं, तो टोटल एक्सटर्नल एंगल कितने होंगे, एक्स हैं। ठीक है, अगर एक्स साइड्स हैं, अगर हम ये सपोज कर रहे हैं, हम यहाँ पे मैं स्टार लगा रहा हूँ, अगर एक्स साइड्स हैं तो इसका मतलब क्या है, दिस मीन्स टोटल के टोटल एक्स एंगल्स ही होंगे। ठीक है, ईच एंगल कितने डिग्री है, ईच एंगल है 24 डिग्री। ठीक है, फाइन, ये हमें पता चल गया एक्स साइड्स हैं तो एक्स एंगल होंगे, ईच एंगल 24 डिग्री है, तो एंगल सम कितना हो जाएगा। एक चीज ध्यान रखनी है, एंगल सम कौन सा है, एक्सटीरियर वाला। टोटल एंगल है एक्स और हर एक है 24, तो एक्स इंटू 24 डिग्री, ये हो जाएगा टोटल एंगल सम। ठीक है, और प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग एंगल सम कितना होता है, एक्सटीरियर वाला 360 होता है, तो एक्स इंटू 24 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री रख सकते हैं। हाँ बिल्कुल रख सकते हैं। एक्स क्या है, यहाँ पे हमें पता है ना, एक्स जो है एंगल्स हैं, एंगल मान लो या साइड मान लो, एक्स एंगल्स हैं। तो अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी एक्स इंटू 24 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। इसको सॉल्व करते हैं, एक्स इज इक्वल टू 360 डिग्री बाय 24 डिग्री। इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, 12 2 ज़ा 24, 12 3 ज़ा 36, 0 2 1 ज़ा 2, 2 15 ज़ा, तो x इज इक्वल टू 15 आ गया। ठीक है,
तो क्वेश्चन में इसने पूछा गया था साइड्स कितनी है, एक्स हमने माना था ना एक्स साइड्स हैं, तो एक्स कितना आ गया हमारा 15 आ गया, तो 15 हमारा आंसर हो गया। जितनी साइड्स होंगी उतने ही एंगल भी होंगे, एक्स एंगल्स होंगे, एक्स साइड्स होंगी तो एक्स एंगल्स होंगे, है ना। ईच एंगल कितना है 24 डिग्री, एंगल्स हम कितना हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ एंगल्स इंटू डिग्री ऑफ ईच एंगल, डिग्री ऑफ ईच एंगल 24 है और टोटल एक्स एंगल है, तो टोटल कितना होगा एक्स इंटू 24। उसको हमने किसके बराबर रख दिया 360 के बराबर, क्यों, क्योंकि हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है सम ऑफ एंगल ऑफ पॉलीगॉन इज 360 डिग्री, एक्सटीरियर एंगल है ना वो 360 होता है, उससे हमें एक्स पता चल गया तो वो हमारा आंसर हो गया। तो टोटल साइड्स कितनी होगी उसमें 15। फाइन, थैंक यू। अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए फ्रेंड्स के साथ। ओके, थैंक यू, बाय बाय।